Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट मतलब यूनिट टेस्ट 5 का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, इसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। दिसंबर 2020 का है पेपर, टाइमिंग आपका 1 आवर का दिया गया है, मार्क्स आपके टोटल 25 हैं। तो इंग्लिश मीडियम का आपका यहाँ पे आंसर, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबको इसका बेनिफिट मिल सके जिसको कोई कन्फ्यूजन हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का होता है, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स एंड उसके अंदर भी सब क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। अब पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो आपको यहाँ पे देखो पिक्चर्स दिए गए और ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हेल्प से हमें ये स्टोरी को डिस्क्राइब करना है। तो ये स्टोरी आपके बुक में दिया गया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं जैसे लिखवा रहा हूँ आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी राइट आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो फिगर में, एक गर्ल है एंड एक रैबिट है। तो गर्ल क्या कर रही है, उस रैबिट के पीछे भाग रही है और रैबिट कैसा है, यहाँ पे कोट पहन के यहाँ पे कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में वॉच है, ठीक है। तो इसकी उस स्टोरी हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। सडनली ही सॉ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। नाउ ही हैड पिंक आई एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। ही टूक आउट द बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। देन आपको लिखना है, सी थॉट देयर वॉज अ समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, देन इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। एलिस वंडर्ड टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड विद अ वाइट रैबिट। Then the rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. Okay student, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 5 marks का question था, इसका answer आप इतना लिख दो, it is enough. Now, तो 5 marks का question complete होता है first. Second देखते हैं, question number 2. Question number 2 में बोला गया है आपको, इसमें आपको ए एंड बी दो तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले ए में बोला गया है आपको, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं इसको, आपको यहाँ पे वर्ड्स क्या दिए गए हैं, सरप्राइज, फ्राइटेंड, गोल्डन, ब्राइट, गार्डन, कैसल एंड राइट, दीज आर द वर्ड्स। नाउ अरेंज देम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइट, देन कैसल, देन आपका फ्राइटन, देन गार्डन, देन गोल्डन एंड सरप्राइज एंड लास्ट आपका आ जाएगा राइट। तो ये आपके इस तरह से अरेंज कर देना है, आंसर हो गया सेकंड का। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, अभी बी वाला देखेंगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। देन बी में आपको बोला गया है, फाइंड द वर्ड दैट रेम विद द गिवन वर्ड। आपको रेमिंग वर्ड लिखना है, इसका दो क्वेश्चन है इसमें, स्टार्स एंड बलून्स। इसके जैसा स्टार्स आप बहुत सारे लिख सकते हो, कार्स लिख सकते हो या फिर दूसरे जैसे, ठीक है, बहुत सारे इसके आंसर, आप कार लिख दो, ठीक है। नाउ बलून है, बलून का क्या लिख सकते हो आंसर, सोचो दिमाग में क्या आ रहा है आपके, कार्टून लिख दो, दिस इज अ सिंपल। ओके, तो ये आपका इसका रेमिंग वर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन वाले हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसमें से हमें सबको सेलेक्ट करना है, देखते हैं कितने सेलेक्ट वाले हैं, कितने 3 क्वेश्चन आपको इसमें एमसीक्यूज हैं मतलब सेलेक्ट करने हैं एंड 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसका हमें आंसर देना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन है थर्ड का ए में, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, कौन बर्न हो रहा था क्यूरियोसिटी के साथ, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे एलिस। ओके, नाउ
सेकंड क्वेश्चन, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन यहाँ पे फेल डाउन हो गया था, नीचे गिर गया था, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे द रैबिट, ठीक है, इसी के साथ कौन, एलिस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। देन सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है द गार्डन दैट एलिस सॉ वाज, जो मान लो जो एलिस ने, जो एलिस ने जो गार्डन देखा था वो कैसा था, इट वॉज अ लवली गार्डन, तो आंसर आपका आ जाएगा लवली, ठीक है, इस तरह से हाईलाइट किया है, आप आंसर देख सकते हो। इसके बाद आपको बी एंड सी दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, इसका हमें आंसर देना है, उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का थर्ड, ठीक है। तो इसमें दिया गया है वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ जा रहा था, तो आंसर आएगा आपका द रैबिट वेंट इन टू द रैबिट होल, और कहाँ गया, रैबिट के होल में, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो ऑप्शन है सेकंड में, इसमें आप एलिस लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्वेश्चन बोला गया है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, जब स्टोरी वो लिसन कर रही थी एलिस ने क्या देखा, ठीक है, तो आप सेकंड में भी वही लिखना जो मैंने बोला, ओके। तो इसका आंसर देख लेते हैं, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रैबिट रनिंग हरिडिली, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि वो स्टोरी था जो मैंने बताया वही आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन का आंसर, तो 5 मार्क्स इसके हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पे जो आपको एक वर्ड दिया गया है इसमें से आपको नए वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, वंडर लैंड में से आप बना सकते हो अलग अलग वर्ड, जैसे वंडर बना लो, लैंड बना लो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, तो इस चार चीज़ें आपको, चार वर्ड बनाने थे, 4 वर्ड, तो फर्स्ट है नो लैंड, देन है डोनट, देन आप आगे क्या लिख सकते हो, डेंड्रॉन, देन डॉडलर, दीज आर द 4 new words विच इज मेक मेड फ्रॉम द वंडरलैंड। देन क्वेश्चन नंबर 4 का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी कम इसका हम लिख लेते हैं, अगर बी आ गया तो समझ लो क्या हो गया, आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे देखो आपको मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम जम्बल्ड, ये जम्बल्ड लेटर दिए गए, इसमें से पहला है सी के पी ई टी ओ, इसमें से हमें बनाना है, तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, देखो आप अरेंज करोगे इस तरह से आएगा पॉकेट। देन दिया गया है ई के वाई, ई के वाई को अरेंज करके आपको एक मीनिंग वाला वर्ड बनाना है, तो क्या आ जाएगा, के ई वाई लिख दो, की आ गया, तो इस तरह से की लिख दोगे। देन लास्ट है टी एल ई एस सी ए, तो इसका क्या आप लिखोगे, पहले से लिखा हुआ है कैसल, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा केसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का हमने पेपर कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, तो नाउ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है राइट डाउन द फॉलोइंग पैराग्राफ, आपको ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको राइट करना है विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, आपको अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में, सबसे सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, जब आप एकदम शांत हो, फ्री हो, उसके तभी आपको लिखोगे, तो जब ज़्यादा अच्छा राइटिंग जाएगा, एकदम पेंसिल को शार्प कर लीजिए और अच्छे से लिखिएगा। तो पढ़ते हैं क्या दिया गया है आपको, लिखा है इसमें ध्रुवी वॉज ट्राइंग टू शार्पन अ पेंसिल विथ अ ब्लेड, कि ध्रुवी क्या कर रही थी, एक पेंसिल थी उसके पास, वो शार्प कर रही थी, उसको छील रही थी, किससे, ब्लेड के हेल्प से, ठीक है, शार्पनर नहीं था उनके पास। व्हेन सी कट हर फिंगर, तब क्या होता, जैसे वो ब्लेड से मान लो शार्प कर रही थी तो उसका फिंगर कट जाता है, एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, और क्या होता है, जब से फिंगर कटता है उसमें से ब्लीडिंग मतलब खून आना शुरू हो जाता है। देन इमिडिएटली हर मदर ब्रॉट अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसकी जो मम्मी थी उन्होंने टर्मरिक पाउडर लाया और उसके हाथ पे रखा जहाँ पे कटा हुआ था, अप्लाइड इट ओवर द वाउंड एंड प्रेस्ड इट हार्ड, तो इसके अप्लाई किया मतलब उसके ऊपर लगाया और उसको जोर से दबाया, द ब्लीडिंग वॉज कंट्रोल, तो जो उसमें से खून बह रहा था जोर से वो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, रुक गया धीरे धीरे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।